हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और नया व्लॉग लेकर के आई हूँ और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो हेलो, मेरा नाम सुमन है। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ डेली व्लॉग्स, लाइफ स्टाइल्स, क्रिएटेड वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, हॉल वीडियोज़। तो अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जल्द ही मैं अपने चैनल पे वेट लॉस करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो है वेट लॉस जर्नी पर हूँ। तो अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के हैंडल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सुबह सुबह का टाइम था, व्लॉग मैंने सोचा ना आप लोगों के साथ व्लॉग बना लूँ। मुझे जो है दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी काम करने थे, तो आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर भी कर लूँगी और बातें भी कर लूँगी, वीडियो भी शेयर हो जाएगा और एक और नया व्लॉग हो जाएगा। तो मैंने इसलिए यार व्लॉग बनाया है। मॉर्निंग का टाइम था, मैंने फटाफट से लंच वगैरह बनाया है क्योंकि लेट हो गई थी। और मैंने जो है रात में ही, जब रात का खाना बनाती हूँ तो उस अगले दिन के सुबह के लिए सब्जी और आटा एक्स्ट्रा काट करके, और एक्स्ट्रा जो है सब्जी तो मैं अलग से एक्स्ट्रा काट के रख लेती हूँ। मतलब जो रात में सब्जी बनती है वो तो बनती ही बनती है, पर सुबह के लिए मैं अलग से काट के रख लेती हूँ। और आटा जब मैं अपने लिए, क्योंकि मैंने चावल तो बंद कर दिए हैं, तो अपने लिए थोड़ा जो है दो रोटी बनाती हूँ, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा आटा मैं गूंद लेती हूँ और सुबह के लिए मैं उसको गूंथ लेती हूँ। क्योंकि जब जिम से आती हूँ ना तो उतना मेरे पास टाइम नहीं होता मेकअप करने के लिए, मतलब टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सुबह आती हूँ तो बहुत थकी रहती हूँ, पसीना पसीना होती हूँ और कभी कभी नहाने का टाइम भी नहीं मिलता और काम करना पड़ता है। तो इसलिए उन सबको टाइम को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर रात में ही सब्जी काट करके और आटा वगैरह गूंद करके रख लेती हूँ। जब भी मैं आती हूँ फटाफट से मैं आटा की रोटी फटाफट से बना करके, सब्ज़ी बना करके लंच पैक कर लेती हूँ। उसमें मेरा टाइम बहुत बचता है, रात में भी टाइम मेरे पास होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। मैंने आलू को ना उबाल करके रात में ही रख लिया था फ्रिज में, और मटर वगैरह भी छील के रख लिया था। और यहाँ पर जो है रोटी बना रही हूँ, तो आजकल मैं सिर्फ दो ही रोटी खा रही हूँ पूरे दिन में, और रात में दो रोटी। मतलब पूरा टोटल मेरा जो डाइट चल रहा है चावल उस पर नहीं है, सिर्फ चार रोटी है सुबह और रात में, दो दो रोटी है, और जल्दी ही मैं उसको एक एक करने वाली हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। मैंने अपने लिए और मेरी अपनी बेटी के लिए रोटी बना करके उसको भी पैक कर लिया है। सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने जब लेट होना होता है तो आलू फटाफट से मैं उबाल करके रख लेती हूँ, और फिर मटर आलू की सब्ज़ी बनाने में 10 मिनट लगते हैं। मैं सुबह ऐसी ही सब्ज़ी बनाती हूँ जिसमें मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगे और जो है बन जाती है जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 मिनट में बन करके तैयार हो गई थी सब्ज़ी। मैंने उसको पैक कर लिया है, मैंने ग्रीन टी भी पी ली अपनी मॉर्निंग में, मतलब खाली पेट जो है, मैं जिम जाने से पहले नींबू पानी पी करके भी गई थी। नाउ मैंने अपने जो है जिम इंस्ट्रक्टर से बात कर ली थी, थोड़ी सी चाय में चल सकती है मेरी, तो मैंने थोड़ी चाय पी है। इसके बाद मेरी रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं यहाँ पे जो है रसोई साफ़ कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्रिज साफ़ कर, मतलब आप लोगों के साथ जो है ना अपना फ्रिज साफ़ कर, मतलब सॉरी फ्रिज साफ़ करूँगी आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। क्या बोलती रहती हूँ मैं भी। और मैंने रसोई यहाँ पे साफ़ कर लिए। नेहल को उठे बहुत देर हो गई थी, तो उसने चाय और फैन खाया था, एक चॉकलेट खाई थी। इसके बाद मैंने उसको दलिया के लिए जो है दलिया बना रही हूँ उसके लिए, तो दलिया मैं थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही मैंने डाइट जो खाना है क्वांटिटी कम कर लिया है आजकल। तो मेरा फ्रिज ना बहुत गंदा हो गया, मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज साफ़ नहीं किया था और बहुत सारा सामान हो गया था इसके अंदर। अगर आप लोग फ्रिज साफ़ करने का ट्रिक जानना चाहते हो तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अभी मेरी बेटी मुझे चुप करा रही है पीछे से, चुप होने के लिए कह रही है। एनीवेज आप इसकी आवाज़ को इग्नोर करना। तो यहाँ पर मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने सारा सामान पहले बाहर निकाल दिया, जो अनयूज्ड है, जो ख़राब हो चुके हैं उसको मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी जो फ्रिज की जो रैक होती है उन सबको मैंने हटा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलिन ले रही हूँ, क्योंकि अंदर जो है मैं धो नहीं रही हूँ, और जो है मैं इसको अंदर जो है ना कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। बस उसके लिए कॉलिन और अच्छा कपड़ा चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा सा। उसके बाद मैंने अच्छे से, मतलब अच्छी क्वांटिटी यूज़ की है कॉलिन की, और उसका जितना भी दाग धब्बे थे, जितना भी मतलब जो दाग धब्बे होते हैं, जो दाग रह जाते हैं, चाहे पानी की बोतल का रहे, चाहे
तो कॉलिन से मैं साफ़ कर लेती हूँ, बहुत इजी है। बाकी जितने भी रैक्स होंगे उन सबको मैं धो लूँगी। आप धो भी सकते हो फ्रिज को बंद करके, अच्छे से साबुन वगैरह लगा करके, बर्तन वाले साबुन वगैरह से धो सकते हो। बट मैंने यहाँ पे जो है कॉलिन यूज़ किया है मैंने, और कॉलिन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैं कभी कभार अगर मैं काम चलाओ फ्रिज साफ़ करना होता है तो मैं रैक वगैरह को भी क्लीन करने के लिए कॉलिन यूज़ करती हूँ, और उससे काफ़ी हद तक बहुत साफ़ हो जाता है, काफ़ी हद तक क्या हो ही जाता है साफ। तो मैं आज प्रॉपर फ्रिज क्लीन करने वाली थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था फ्रिज क्लीन किए हुए, और अगर फ्रिज गंदा होता है ना तो कोई भी चीज़ ना हाइजीनिक सी नहीं लगती रहती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है फ्रिज को साफ़ करने के लिए आज का दिन चूज़ किया, और मैंने सोचा आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर कर दूँगी, और बहुत सारी बातें भी हो जाती है आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करते करते, और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। तो मैंने यहाँ पे जो है ना फ्रिज वगैरह साफ़ किया। बहुत गर्मी हो गई है, सीरियसली हद से ज़्यादा गर्मी हो गई दिल्ली में। मतलब आप किस सिटी से हो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताना, और आपकी सिटी में भी इतनी गर्मी है क्या प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बिना एसी के तो काम ही नहीं चलता है। पंखे के नीचे बैठे रहता हूँ तो बस गर्म हवा लगती रहती है कि गर्म हवा आ रही है, लू में बैठे हुए हैं। तो इतनी गर्मी थी, और सुबह सुबह निहल को अभी तक उसको थोड़ी सी भूख भी लगी थी, क्योंकि अब उसको सुबह 5:30 बजे की उठी हुई है, जब मैं जिम जा रही थी तब से वो उठी हुई थी, तो उसके बाद से वो उठी हुई है। तो अब खाना पीना उसको टाइमली चाहिए होता है, तो मैंने उसकी दलिया वगैरह जो है फ्रिज साफ़ करने, दलिया भी बन गया था, तो फ्रिज साफ़ करते करते मैंने पहले उसको दलिया खिलाया, फिर मैंने फ्रिज साफ़ करने के लिए आई थी। और नेहल जो है अब उसको सोना था, वो मुझे बार बार आके तंग कर रही थी, बट मैं उसको जल्दी नहीं सोने दूँगी क्योंकि वो उसका टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। मैं अगर उसको जल्दी जल्दी सुला देती हूँ ना तो वो रात में सोती नहीं रहती है, वो रात में बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो इसलिए मैंने उसको दिन भर में एक बार सुलाने का प्लान किया है, टाइम टेबल बनाया है, और वो 3-4 घंटे एक साथ ले लेती है नींद। तो मैंने यहाँ पे जो है फ्रिज वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है, रैक मतलब जो गंदगी थी, कालापन था, जो दाग था, सब मैंने कॉलिन से साफ़ कर दिए हैं। बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, और मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था, चमक सा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वैसे ना यार घर का ना कोई भी काम ना मतलब बहुत टाइम लगता है घर की साफ़ सफाई में, और स्पेशली जब से नेहल हुई है तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ घर की साफ़ सफाई में। नहीं तो मेरा एवरी सैटरडे संडे, बिकॉज मैं मंडे टू फ्राइडे तो जॉब करती थी और सैटरडे संडे तो मेरे पास वही टाइम होता था, मुझे 2-3 दिन बच जाते थे घर को साफ़ करने में। और मुझे अभी भी जॉब की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। बट जो एक मूवी है ना दीपिका पादुकोण की, कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा, चाहे मैं नेहल की या तो बचपन छूट जाता मेरे से या तो ऑफिस छूट जाता, तो मैंने दोनों में से सिर्फ नेहल को चूज़ किया है। तो नेहल का बचपन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इस वजह से तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब में मैंने अपना जो है यूट्यूब में आप लोग के साथ जुड़ रही हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से थी, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है कि लोगों से बात कर सकते हैं और अपने दिल की बात कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे आप लोग अपनी भी बातें मेरे साथ ज़रूर शेयर करा करो कमेंट में। तो यहाँ पे ना मैंने सारा फ्रिज साफ़ कर दिया है, मैं रैक वगैरह को ना किचन में ही मैंने बर्तन के साबुन से अच्छे से धो रही हूँ। अब मैं यहाँ तो रैक में भी बहुत सारी जो है दाग लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको साबुन से धोने का फैसला किया था, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने किचन में ही मैंने जो है मेरे जो सिंक है वो जितने भी मेरे बर्तन थे वो सब मैंने साइड में खंगाल कर रख दिए थे, और सारा रैक वगैरह उसी में मैंने धोए हैं, और अच्छे से साफ़ करके मैंने धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। और जैसे मैं बता रही थी ना नेहल के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, यार मेरे को ना हॉल वीडियोज़ के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो मतलब बहुत सारे सामान मंगा के रखे हुए हैं, बट मंडे टू फ्राइडे हस्बैंड की जॉब होती है तो रात में मेरे पास इतना, क्योंकि जिम ज्वाइन किया है तो मेरे को इतना थक जाती हूँ, तो रात में मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और नेहल की वजह नेहल दिन भर में वीडियो इसलिए नहीं बना पाती हूँ, नेहल की थोड़ी सी आदत ख़राब है, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पर वो मुझे जब तक वो जगी रहती तब तक मुझे वीडियो नहीं बनाने देती, और सोने में भी नहीं बनाने देती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी फ़िलहाल मैं अभी जो है फ्रिज साफ़ कर रही हूँ आप लोग के साथ। आप लोग कैसे फ्रिज साफ़ करते हो वो मुझे आप ज़रूर बताना, हो सकता है मुझे कुछ नया सीखने को मिले, और मतलब मैं उस तरह से यूज़ करूँ। और अगर इजी ट्रिक होगा, अगर आसानी से साफ़ करने वाली चीज़ होगी तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं हाइजीनिक बहुत मतलब मेरे को ना हाइजीनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे साफ़ सफाई रखना घर में, क्योंकि एक तो बच्चा है, ऊपर से मुझे ना घर गंदा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बहुत बस बर्दाश्त नहीं होती है घर गंदा अगर रहता है। तो यहाँ पर मैं सारे रैक्स वगैरह
तो धूप से ना रैक, धूप में जो डाले थे रैक्स मैंने फ्रिज के, वो सारे सूख गए थे, तो मैंने उसको लगा दिए है, देख लो बिल्कुल सफ़ेद हो गया, चकाचक हो गया है, और बहुत सारी गंदगी जो निकल भी गई है, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट भी था इधर, कुछ कटोरी, कुछ ग्लास, कुछ चम्मच ऐसा होता है जो हम रख लेते हैं, भूल जाते हैं और नहीं याद आता है, या हम सोचते हैं कि बाद में हम निकाल कर। नेहल मुझे कोई काम नहीं करने देती, अभी भी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है वॉइस ओवर करने में, पर खैर कोई बात नहीं, बच्चा है वो, उसको थोड़ी ना पता है कुछ भी। पर मैंने यहाँ पे जो है रैक वगैरह फिट कर लिया है, जितना सामान मुझे यूज्ड का है, जो भी चीज़ फ्रिज में जानी है मैंने वो रख दी है, उसकी वजह से पानी भी बहुत गर्म हो गया था, मेरी 2-3 बोतल भी ख़त्म हो गई थी, और इसको साफ़ सफाई करने के चलते आधा सा 1 घंटा लग गया था मुझे प्रॉपर। कोई भी साफ़ सफाई में ना प्रॉपर टाइम लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गंदा रह ही जाता है घर में। अब अभी मैंने फ्रिज साफ़ किया था, 2 दिन पहले मैंने अपना जो है ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया था, अब मुझे अपनी अलमारी सेट करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग को जो है अलमारी कैसे सेट करती हूँ मैं, प्लीज़ वो अगर आप लोग को जानना है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो है मैं वो बहुत सारे काम होते हैं, बट वो मैं सोचती हूँ सैटरडे संडे करने को, क्योंकि उसके पापा रहते हैं नेहल के, और उस पीछे मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है। नहीं, यहाँ पर मैंने अपना जितना भी सामान था जो फ्रिज में डालने वाला होता वो मैंने सब डाल दिया, सब्जी वगैरह, और जो है प्रॉपर नींबू वगैरह मैंने सब कुछ, हाँ मैंने यहाँ पे अपने कुछ मेकअप के सामान भी फ्रिज में रखे हुए हैं, बिकॉज कुछ ऐसे मेकअप के सामान होते हैं जो ना सूख जाते हैं बहुत जल्दी, तो फ्रिज में रखने में क्या होता है वो जम जाते हैं, जब हम निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर रह जाता है, तो वो मतलब लिक्विड बन जाता है, फिर से वो जो जमा होता है वो फ्रिज जो होता है वो अनफ्रिज जाता है, मतलब जम हट जाता है, मतलब अब समझ जाओ आप लोग। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोए थे मैंने कल, और यहाँ पे जो है सारे कपड़े सूख गए थे, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रेस के कपड़े हो गए थे, तो प्रेस करने के कपड़े तो मैं बाहर देती हूँ प्रेस करने के लिए, तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे पोल्ट्री बना रही हूँ, और जो कपड़े रह गए हैं थोड़े बहुत अब मैं वो तह लगाऊंगी, पर वो थोड़े बाद आज इस वीडियो में नहीं करूँगी, मैं जो है अलग से कर लूँगी, या तो रात में बैठ के कर लूँगी या तो शाम को। यहाँ पे अब नेहल जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, फ्रिज साफ करते वक्त भी उसने मुझे बहुत परेशान किया है, रोने लग गई थी वो बहुत ज़्यादा, पर वो शुभ मैंने एडिट करते वक्त हटा दिया था उस वीडियो को, पर यहाँ पर देख लो वो कॉलिन से वो बाद में मुझे तंग कर रही है कि कॉलिन वगैरह से खेल रही है। तो मैंने यहाँ पे अपना टेबल साफ़ कर लिया, मैं ऑल टाइम मैं हर दिन डस्टिंग करती हूँ, मैं एक ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें मैं डस्टिंग ना करूँ, क्योंकि डस्टिंग ज़रूरी है, घर में बच्चा है और हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, शीशा वगैरह डेली साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है नेहल, मैं कितनी बार बिस्तर ठीक कर चुकी हूँ और नेहल ने पूरा बिस्तर जो है बार बार ख़राब कर देती है, कभी चढ़ती है कभी उतरती है, कभी तकिए के साथ खेलती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, जो चादर फोल्ड होते हैं उस चादर को निकाल देती है, उसे कपड़े निकाल के रखती है क्योंकि उसको नहलाना है, इसके बाद उसको जो है एक बार मैं दूध रोटी भी खिला करके उसको सुलाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे वो सारे खिलौने ना नीचे गिरा के रख देते हैं, सारे नीचे, मतलब एक भी जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ ना, एक भी खिलौने यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो यही था आज का वीडियो, अब नेहल और मैं दोनों, हम दोनों माँ बेटी नहा चुके हैं, नेहल टीवी देख रही है, इसके बाद मैं थोड़ा खाना खाऊंगी, 12 बज रहे हैं, खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो यही था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं डाइटिंग पर हूँ, आप लोग को जानना है कि मैं क्या क्या खा रही हूँ अपनी डाइट में, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बहुत अच्छा होगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने में। तो प्लीज़ अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, 2000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं फ्रेंड्स, फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, मैं आप लोग के साथ गिव अवे करना चाहती हूँ। और यही था आज का ब्लॉग, और हम मैंने जो है आज ये अमेज़ॉन वाला कुर्ता पहना हुआ है, फ्रॉक सूट है ये, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।